सो हेलो एवरीवन, हितेश हियर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट मी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आप सभी का जो आपने मुझे इतना लव, इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया मुझे मेरे वीडियोस पर, ताकि मैं इस मुकाम तक पहुंच सका। आज मैंने अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और साथ ही मेरा 4000 पब्लिक वॉच आवर भी कंप्लीट हो चुका है, और इसका मैं छोटा सा प्रूफ आपको अपने मैक पर देना चाहता हूँ। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना फर्स्ट वीडियो 31 मार्च को डाला है और अपना लास्ट वीडियो यानी कि 12 तारीख 2 दिन पहले डाला है, और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन को सिर्फ और सिर्फ डेट बना हुआ है, यानी कि 31 मार्च से लेकर आज 15 मई, ये लीजिए मैं आपको कैलेंडर में आज की डेट भी दिखा देता हूं। सो दिस इज 14 मई, अगर आप ठीक से देख पा रहे होगे तो आज 14 मई, यानी कि कंप्लीट मुझे इस चैनल को स्टार्ट किए हुए आज 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है, और इस 1.5 महीने के अंदर आपने मुझे इतना लव, इतना सपोर्ट दिया, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इस Q&A सेशन के अंदर मैं आपके द्वारा पूछे गए इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। एक्चुअली ये मेरी लाइफ का सबसे पहला Q&A सेशन है, सो थोड़ा सा हम्बल हो सकता हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्वेश्चन पूछा है कि विजय यादव ने, कि सर आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम है हितेश नागर, बेसिकली आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान, और मैं यहाँ पुणे में अभी जॉब करता हूँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एज अ फ्रेंच लैंग्वेज एक्सपर्ट। एक्चुअली आई एम स्पेनिश, फ्रेंच एंड चाइनीज लैंग्वेज एक्सपर्ट ओवर देयर, और वहाँ पर मैं यहाँ से यानी कि यूट्यूब से एक्चुअली 4-5 गुना ज़्यादा ही अपनी अर्निंग करता हूँ। यूट्यूब जस्ट मैंने एक खाली शौक, एक पैशन के चलते स्टार्ट कर लिया। और अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली। सो इंस्पिरेशन का जरिया मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2 चैनल्स हैं। पहला चैनल उनका नाम है मिस्टर रौनक का, जिनका नाम है बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन, और बहुत ही अच्छी उनकी आवाज़ है, बहुत ही अच्छा उनका चैनल है, काफ़ी अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करते रहते हैं। उनकी आवाज़ का मैं काफ़ी बड़ा फैन हूँ, और जब से मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक जागे कि यार लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। और दूसरी इंस्पिरेशन मुझे मिली हॉलीवुड एक्सप्लेन हिंदी, ये अमृता पाटिल का चैनल है, और वो भी बहुत ही अच्छी। एक्चुअली ये टोपी थोड़ी ही फनी लग रही, मैं इस टोपी बता देता हूँ। सो दूसरी इंस्पिरेशन मुझे मिली अमृता पाटिल से, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मुंबई पुणे, और उनके चैनल्स मैंने देखे थे, उनके एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे थे, और मैंने उन्हें एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि क्या आप हैरी पॉटर सीरीज का एक्सप्लेन करेंगी, तो 2-3 मंथ्स निकल गए लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। देन फाइनली मैंने सोचा कि चलो अब कोई रिप्लाई कर ही नहीं रहा तो हम ही बना देते हैं। तो यही रीज़न था कि मैंने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत कर दी, और सबसे पहले हैरी पॉटर से अपनी इस पूरी सीरीज, अपनी पूरे करियर की स्टार्ट करी। दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं गुंजन जी। गुंजन जी मुझे कहती है कि आप इन पर नॉवेल की रीडिंग क्यों नहीं डालते हैं। तो देखिए गुंजन जी, बात ऐसी है कि ये मैंने चैनल एक्चुअली सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए खोला है, मैं यहाँ पर सारी हॉलीवुड मूवीज की ओनली सीरीज उठाता हूँ, तो नॉवेल मैं सॉरी यहाँ पर नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई सजेशन हो, आपकी कोई फेवरेट मूवी हो या जिसे आप मुझे रिकमेंड करना चाहती हो, तो डेफिनेटली आप मुझे कर सकते हैं, मैं उस मूवी को डेफिनेटली बनाऊंगा, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर रखूंगा। लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही रहेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज को उठाऊँ, सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी हो, मैं डेफिनेटली इसको जरूर कंसिडर करूंगा और जरूर बनाऊंगा। और यहाँ पर रवि मुझसे पूछते हैं कि आपकी एज क्या है। तो भाई मेरी एज है 25 ईयर ओल्ड। अनुपम कौर पूछती हैं मुझसे कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का 4th और 5th पार्ट बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच, आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा, मुझे भी इसे बनाकर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर रिनी दास कहती है कि ट्वाइलाइट के आपके सारे सीजन बहुत ही अच्छे हैं, मैं पिछले 7 सालों से इन सीरीज को देख रही हूँ, मेरी काफ़ी फेवरेट है, और आज आपने इनका जो है कंप्लीट सीरीज एक्सप्लेन किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। रिनी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट दिस सीरीज, और मुझे इसको बनाकर जितनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई है इसे कंप्लीट बना करके, और आपने इसे पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं कि आपकी कंप्लीट सीरीज जो आप बनाते हैं बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन कि आपने इन चैनल को इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर मेरा मोनेटाइजेशन ऑन करवा दिया। यानी कि मैं सच बताऊं तो 2 महीने पहले मुझे यूट्यूब के अंदर मतलब 1% भी नॉलेज नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि इसका लोगो कैसे सेट होता है, इसका चैनल आर्ट क्या होता है, इसका ब्रांडिंग कैसे सेट होती है,
और साथ ही जो पीछे जो बैकग्राउंड स्क्रीन होती है, थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जीरो नॉलेज थी। लेकिन आप सभी ने मुझे बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर किया कि यार तू भी बना, तू क्यों नहीं बनाता है। तो मैंने इसी अंडर प्रेशर के अंदर ये चैनल क्रिएट किया और रिजल्ट आज आपके सभी के सामने। इन 1.5 महीनों में बहुत ही अच्छी मेरी जर्नी रही और साथ ही बहुत क्लासिक पूरी ये जर्नी रही। मतलब कहना चाहूंगा कि काफी कुछ सीखने को मिला, काफी सारे नए यूट्यूबर्स फ्रेंड भी बने, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट भी किया कि तुम और नया क्या कर सकते हो इसके अंदर, और क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, ऑडियो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। और हाँ, मिस्टर अखिल अखिल पूछते हैं कि आप अपने वीडियोस किस पे एडिट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी मैक है, मेरी राम प्यारी, ये मैकबुक प्रो है। इसके अंदर मैं अपने सारी वीडियोस एडिट करता हूँ। और साथ ही मुझे अक्षय पूछते हैं कि कौन सा ऑडियो, कौन सा माइक यूज करते हैं हम। सो माइक भैया मेरा बहुत ही महंगा है, 48,000 का। एक्चुअली आई एम जोकिंग, दिस इज माई आईफोन। और इसी के ऊपर मैं अपनी सारी ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद में उस ऑडियो को अपने मैक में डाल देता हूँ। मैक में मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है आई मूवी। इस ऐप की वजह से मैं अपने आज तक के सारे वीडियोस एडिट कर पाया हूँ। बहुत ही अच्छा क्लासिक ऐप है ये, आप भी इस पर वीडियोस बना सकते हैं। शिवम सिंह बोलते हैं कि नेक्स्ट सीरीज क्या उठाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बाद में रेसिडेंट इवल की कंप्लीट सीरीज उठाने वाला हूं। और ये जो रेसिडेंट इवल की जो आइडिया, ये जो थीम है, ये मुझे दी है फैजान हामिद ने। सो बिग शाउट आउट टू फैजान हामिद, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी कि आप प्लीज जो है रेसिडेंट इवल पर अपनी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करें, अपना नेक्स्ट वीडियो बनाएं। तो डेफिनेटली फैजान, आपकी ये सीरीज में जरूर कंसीडर कर रहा हूँ इस बार। और आप सभी से भी मेरी गुजारिश है कि अगर आपके पास कुछ भी सजेशन हो या कोई भी सीरीज अगर आप मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और मैं जरूर आपकी लिस्ट को कंसिडर करूंगा, उसे उन मूवीज को अपनी लिस्ट में डालूंगा और जितना जल्दी हो सकेगा उन सभी को आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो बस यहाँ पर इतना ही। और आप सोच रहे होंगे कि ये गिटार यहाँ पर क्यों पड़ा है, तो गाइस ये बता दूं, ये है मेरा गिटार जिसका नाम है WS, यानी कि वास्तु शास्त्र। इसका नाम वास्तु शास्त्र है। सो चलिए, पढ़ा है तो आपको कुछ प्ले करके भी दिखाई देते हैं। वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपना लव, अपना सपोर्ट मेरे साथ यूं ही बनाकर रखिए। और नेक्स्ट क्यों वीडियो आएगा 5,000 सब्सक्राइबर पर। सो थैंक यू अगेन।